राज बब्बर की पहली फिल्म आई 1977 में किस्सा गोरखी का और उनकी पहली फिल्म फ्लॉप रही। 1980 में इसकी दूसरी फिल्म आई आप तो ऐसे ना थे और यह एवरेज हुई थी। इसके बाद आई जज्बात और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई 100 दिन सांस के और दोस्तों यह सेमी हिट रही। इसके बाद आई इंसाफ का तराजू और यह हिट हुई थी। इसके बाद आई ज्वालामुखी और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई फिल्म हम 5 और यह हिट हुई थी। इसके बाद आई नजराना प्यार का और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई साजन मेरे में साजन की और यह भी फ्लॉप हुई थी। 1981 में राज बब्बर की फिल्म आई कलयुग और दोस्तों यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई फिल्म राज और यह एवरेज हुई थी। इसके बाद इसकी फिल्म आई पूनम और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई प्रेम गीत और यह एवरेज हुई थी। इसके बाद आई श्रद्धा और दोस्तों यह हिट रही। इसके बाद आई ये रिश्ता ना टूटे और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद इसकी फिल्म आई उमराव जान और मेरे दोस्त यह फिल्म सुपर हिट रही। इसके बाद आती है तजुर्बा और यह फ्लॉप रही। इसके बाद इसकी फिल्म आई अरमान और यह बिलो एवरेज साबित हुई थी। इसके बाद आई आपस की बात और यह भी बिलो एवरेज रही। 1982 में राज बब्बर की फिल्म आई दुल्हा बिकता है और दोस्तों यह बिलो एवरेज रही। इसके बाद आई दौलत और यह सेमी हिट रही। इसके बाद आई भीगी पलके और यह भी सेमी हिट रही। इसके बाद आई जीवन धारा और यह हिट हो गई। इसके बाद इसकी फिल्म आई लक्ष्मी और दोस्तों यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई निकाह और भाई साहब यह ब्लॉकबस्टर हो गई। 1983 में इसकी फिल्म आई अर्पण और यह हिट हुई थी। इसके बाद फिल्म आई अगर तुम ना होते और यह भी हिट हुई थी। इसके बाद फिल्म आई मैं आवारा हूँ और दोस्तों यह भी हिट हुई थी। इसके बाद आई मजदूर और यह फ्लॉप रही। इसके बाद फिल्म आई थी दूरदेश और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई कलका और यह भी फ्लॉप रही। इसके बाद आई मेहंदी और मेरे दोस्त यह भी फ्लॉप रही। इसके बाद इसकी फिल्म आती है रोमांस और यह भी फ्लॉप रही। इसके बाद आई अच्छा बुरा और मेरे दोस्त यह भी बुरी तरह फ्लॉप रही। इसके बाद इसकी फिल्म आई नौकर बीवी का और दोस्तों यह हिट रहती है। इसके बाद आई पांचवी मंजिल और यह एवरेज रही। इसके बाद आई रिश्ता कागज का और दोस्तों यह फ्लॉप रही। 1984 में राज बब्बर की फिल्म आई आज की आवाज और दोस्तों यह हिट रहती है। इसके बाद आई शीशे का घर और यह फ्लॉप रही। इसके बाद इसकी फिल्म आई आनंद और आनंद, लेकिन इस फिल्म में कोई भी आनंद नहीं थी और यह फ्लॉप हो गई। इसके बाद आई इंतहा और दोस्तों यह डिजास्टर रही। इसके बाद फिल्म आई दोस्तों जीने नहीं दूंगा और दोस्तों यह हिट रहती है। इसके बाद आई कानून मेरी मुट्ठी में और यह बिलो एवरेज होती है। इसके बाद आई मट्टी मांगे खून और दोस्तों यह फ्लॉप रही। इसके बाद फिल्म आई पेट प्यार और पाप और यह अबोव एवरेज रही। इसके बाद इसकी फिल्म आई शपथ और दोस्तों यह फ्लॉप हुई थी। 1985 में राज बब्बर की फिल्म आई झूठी और यह सुपर हिट रही। इसके बाद आई एक चिट्ठी प्यार भरी और यह फ्लॉप रहती है। इसके बाद फिल्म आई हकीकत और यह भी फ्लॉप रहती है। इसके बाद आई हम दो हमारे दो और यह एवरेज रहती है। इसके बाद फिल्म आई जवाब और मेरे दोस्त यह सुपर हिट रहती है। इसके बाद आई एतबार और यह हिट रहती है। इसके बाद आई महाशक्तिमान और दोस्तों यह फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद इसकी फिल्म आती है मेरा घर मेरे बच्चे और दोस्तों यह फ्लॉप रहती है। इसके बाद आई यार कसम और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई दुर्गा और यह एवरेज रही। इसके बाद आई त्रिवेणी और दोस्तों यह बिलो एवरेज हुई थी। इसके बाद फिल्म आई लावा और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई सलमा और यह भी फ्लॉप रही। इसके बाद आई रुस्वी
हुई और दोस्तों यह भी फ्लॉप हुई थी। इसी साल के आखिर में इसकी फिल्म आई उल्टा सीधा और दोस्तों अगर उल्टा सीधा फिल्म आएगी तो फ्लॉप तो होगी ही। 1986 में इसकी फिल्म आई अंगारे और दोस्तों यह एवरेज रही। इसके बाद आई दहलीज और यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई किराएदार और दोस्तों यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई बात बन जाए और यह अबव एवरेज रही। इसके बाद आई इंसाफ की आवाज और यह हिट होती है। इसके बाद आई तीसरा किनारा और यह बिलो एवरेज रही। इसी साल के आखिर में आई सुहागन और दोस्तों यह हिट रहती है। 1987 में इसकी फिल्म आई आवाम और दोस्तों यह हिट रही। इसके बाद आई इंसानियत के दुश्मन और मेरे दोस्त यह सुपर हिट रही। इसके बाद आई फिल्म जान हथेली पे और यह हिट रहती है। इसके बाद आई मिर्च मसाला और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई मुकद्दर का फैसला और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई संसार और यह हिट हुई थी। इसी साल के आखिर में आई फिल्म आज और यह फ्लॉप हुई थी। 1988 में राज बब्बर की फिल्म आई अंधा युद्ध और यह हिट हुई थी। इसके बाद इसकी फिल्म आई औरत तेरी यही कहानी और दोस्तों यह फिल्म फ्लॉप हुई थी। भाई ऐसी फिल्म का नाम कौन रखता है यार। इसके बाद फिल्म आई हम फरिश्ते हैं और दोस्तों यह भी फ्लॉप रही। इसके बाद आई कब्जा और यह एवरेज हुई थी। इसके बाद इसकी फिल्म आई कनवर लाल और दोस्तों यह भी एवरेज रही। इसके बाद आई महावीरा और यह भी एवरेज हुई थी। इसके बाद फिल्म आई मेरा मुकद्दर और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई रामा ओ रामा और यह भी फ्लॉप रही। इसके बाद आई आकर्षण और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद इसकी फिल्म आई विजय और दोस्तों यह हिट रहती है। इसके बाद आई नामुमकिन और दोस्तों यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई वारिश और यह दोस्तों हिट हुई थी। इसके बाद आई थी साजिश और दोस्तों यह एवरेज हुई थी। इसके बाद फिल्म आई जख्मी औरत और दोस्तों यह भी एवरेज हुई थी। इसके बाद फिल्म आई गंगा तेरे देश में और दोस्तों यह फ्लॉप रहती है। इसी साल के आखिर में फिल्म आई पांच फौलादी और दोस्तों पांच फौलादी मिलके भी इस फिल्म को फ्लॉप होने से नहीं रोक सके। 1989 में फिल्म आई आसमान से ऊंचा और दोस्तों यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई तौहीन और दोस्तों यह भी फ्लॉप रही। इसके बाद फिल्म आती है पराया घर और दोस्तों यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई आखिरी गुलाम और दोस्तों यह बिलो एवरेज रही। इसके बाद आई ममता की छाओ में और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद फिल्म आई हिसाब खून का और दोस्तों यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद फिल्म आई महादेव और दोस्तों यह हिट हुई थी। इसके बाद फिल्म आई हम भी इंसान हैं और यह फ्लॉप रही। इसके बाद इसकी फिल्म आई सूर्या और दोस्तों यह भी फ्लॉप हुई थी। इसी साल के आखिर में राज बब्बर की फिल्म आई जायदाद और दोस्तों यह भी फ्लॉप रहती है। दोस्तों इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। यह इस वीडियो का पार्ट 1 है। दोस्तों इस वीडियो का पार्ट 2 हम जल्द लेके आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दे ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।